थाना अर्निया क्षेत्रांतर्गत कथित वर्दीधारियों द्वारा टप्पेबाजी स्टाइल में की गई डकैती की घटना का सफल अनावरण। लूटे गए शत प्रतिशत 18 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त एक अपाचे बाइक सहित घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को स्वॉट टीम व थाना अर्निया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दी गई बाइट। सर, एक थाना अर्निया क्षेत्र में एक लूट का मामला हुआ था, क्या मामला है सर पूरा, कितने लोग पकड़े गए अब तक? ये 26 दिसंबर को एक लूट की सूचना दी गई थी। शुरुआती दौर में थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जो सूचना देने वाले थे उन्होंने करीब 3.5 घंटे विलम्ब से सूचना दी, और उन्होंने बताया कि वो सासनी जो हाथरस जनपद में है वहाँ से 18 लाख रुपये ले करके एक बीड़ी व्यवसायी के रुपए थे जो दिल्ली में रहते हैं, उनका मुंशी सिराज और ड्राइवर मुन्ना उर्फ मुनव्वर, यह दिन में 11 बजे के आसपास चले थे और एक ढाबे पे आकर रनिया क्षेत्र में रुके। वहाँ इन्होंने काफ़ी देर अपना समय गुजारा। इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो इनका कहना है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे जो पुलिस की वर्दी में थे, उन्होंने इन्हें ओवरटेक करके रोका और रोकने के बाद कहा कि तुम एक्सीडेंट करके आ रहे हो, चलो। इनकी गाड़ी कब्जे में ले ली, इनको पीछे बैठा लिया। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद इन्होंने कहा कि यहीं आपस में तय कर लेते हैं, और गाड़ी से नीचे उतरने पर गाड़ी लेके भाग गए। 2 किलोमीटर आगे गाड़ी इनकी खड़ी मिली, लेकिन गाड़ी में इनका कैश नहीं था। लेकिन इनके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई। लगभग 3.5 घंटे विलम्ब से एक व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने थाना खुर्जा नगर पर सूचना दी। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और सारे संभव जो विकल्प थे वो इसमें तलाश किए गए, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि पीछे जहाँ से आ रहे थे इनके आगे पीछे कोई इस तरह की मोटरसाइकिल आती हुई नहीं दिखी। इस बात को लेकर संशय पैदा हो रहा था कि अगर किसी ने पीछा किया होता है, हाथरस से पैसे लेके चले थे, तो निश्चित तौर पर रास्ते में मोटरसाइकिल दिखती। लेकिन एक मोटरसाइकिल जिस मॉडल का इन्होंने बताया था वो आगे पे घटनास्थल के बाद रास्ते में पुलिस को वो मिली सीसीटीवी कैमरे में। उस मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए 15 दिनों तक हमारी टीम लगातार सीसीटीवी कैमरे देखती रही, और ये सौभाग्य की बात थी कि वो मोटरसाइकिल दिल्ली में जहाँ जाकर के रुकी वहाँ तक हमारी टीम पहुँच गई, केवल जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के तलाश और उसको देखने के आधार पर। और फिर उस आधार पर हम लोगों ने, हमारी टीम ने, स्वाट की टीम और अरनिया थाने की टीम ने उस मकान में जो रहता था, जो संदिग्ध आचरण का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसको उठाया, तो पूरे अभियोग का अनावरण हुआ। इस पूरे प्रकरण में कुल 6 लोग प्रकाश में आए, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल पर थे और 3 लोग अन्य एक कार में थे। जिस ढाबे पे रुके थे उसी के ठीक सामने वाले ढाबे पे वो टीम भी अपराधियों की थी। ड्राइवर की इसमें दुर्भिसंधि थी, जो मुंशी था सिराज उसका कोई रोल नहीं था, उसे पता नहीं था। ड्राइवर ने ही इन अपराधियों को बुलाया था दिल्ली से, और ये हाथरस की तरफ से इसीलिए न आ करके दिल्ली की तरफ से आए और ढाबे के सामने पहले से तय स्थान के मुताबिक, सड़क के दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी थी, इस तरफ ये गाड़ी थी, इनके कब्जे से पूरे 18 लाख रुपए शत प्रतिशत बरामदगी कर ली गई है। 2 अभियुक्त अभी भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, और ड्राइवर भी इस घटना में संलिप्त रहा है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि 1 अभियुक्त धर्मेंद्र, जो वर्दी में बताया गया था, वो RPF का सिपाही है और चाणक के पुरी में रेलवे बोर्ड के एक सदस्य की सुरक्षा में वर्तमान में तैनात है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह मुन्ना और मुनव्वर के कब्जे से 2 लाख रुपए, RPF का जो सिपाही धर्मेंद्र है उसके कब्जे से 5 लाख रुपए, मनोज उर्फ काके नंदग्राम गाजियाबाद का है इसके कब्जे से 1 लाख रुपए, और रेशमा जो वांछित अभियुक्त जुएल है उसकी पत्नी, उसके कब्जे से 10 लाख रुपए, इस प्रकार 18 लाख रुपयों की बरामदगी कर ली गई।